इधर आओ आप भी। माशाल्लाह जा रहे, अभी हम लेने जा रहे हैं कपड़े, फिर हम जाएंगे शेल्टर होम। अस्सलाम वालेकुम। क्या फ़र्क है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कराते होंगे। सुबह बखैर ज़िंदगी। और आज है संडे का दिन और जनाब आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो है ना वो व्लॉग जो है वो बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। आपको एक सरप्राइज़ देना है, मैंने एक कपल से मिलवाना है, न्यूली कपल है और वो मिलने आ रहा है। किससे स्पेशल ये भी आपको दिखाना है, जब वो आएंगे तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और दूसरा जो मैंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं उनके साथ आ जाए मेरी शॉपिंग, तो आए अब उनको लेके चलते हैं शॉपिंग पे। शॉपिंग करते हैं फिर जब कपल आएगा, वो कपल कौन है आप सब भी उनको जानते हैं, और वो हमारे शेल्टर होम में आ रहा है बच्चों से मिलने के लिए। तो अभी हम बाइक पर बैठ कर निकलने लगे हैं, तो जा रहे हैं बच्चों को लेके शॉपिंग पे और उसके बाद फिर हम जाते हैं कार शेल्टर होम में, जो न्यू शेल्टर होम ओपन करने लगे हैं। फिर वहाँ पे वो कपल आएगा तो उससे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, तो आज आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना क्योंकि वो कपल जो है ना उसको देख के आपको बड़ी खुशी होने वाली कि वो हमारे उधर शेल्टर होम में क्यों आ रहा, किस लिए आ रहा जी। हम जा रहे हैं सारे शॉपिंग करने। ये मेरे बच्चे हैं, देख इधर आओ आप भी। माशाल्लाह जा रहे, अभी हम लेने जा रहे हैं कपड़े, हम जाएंगे शेल्टर होम। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले की जाए शॉपिंग, तो ये सारे बच्चे हैं तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। अभी छोटा बच्चा भी आ जाएगा, वो भी आपको पता हमने लिया हुआ है तो वो भी आ जाएगा। ये भी प्यारे हैं, दिखाएं भाई। ये कलर देखिए कितना प्यारा है ना, प्यारा है, पसंद है, है? माशाल्लाह बहना के पसंद है, कपड़े आए हैं पसंद है ना, देखिए कितना प्यारा कलर हमने लिया, एक येलो लिया और एक दूसरा वाइट और येलो। प्यारा वाओ, काके को भी। हाँ जी इधर देखो, पसंद है। वाओ कितनी मजे की है, चॉकलेट के साथ खा लो। सबको दें, थैंक यू। लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, जिंदगी में परेशानी है तो मुक्ति नहीं है। प्यारे कपड़े लेके आए हैं बच्चों के, वाओ आपने रेड पहनना है, आपने कौन सा पहनना है? चले अभी ये देखे खाना खाने लगे हैं, पहले नहाए हैं ना आके फिर खाना खाते हैं, फिर हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये हमारा सैंपल वाला है। हाँ नहीं ये छोटे बच्चे का भी है ना, हाँ ये भी आपने ये पहनना है। चलो ये देखें जी, हमारे सारे कैचर पोनी हर चीज़ हम लेके आए हैं लगाने के लिए। ओके ठीक है, नो पहनो मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है। देखे हम सारे कितने प्यारे लग रहे हैं, देखे
ये मेरा प्यारे सा बेटा है, ये छोटी सी क्यूट सी बेटी, देखे इसका सूट कितना अच्छा हम लेके आए हैं, येलो येलो मैचिंग, ये देखे है ना आ रहा है, कैसे लग रहे हैं कपड़े? अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आपको कैसे लग रहे हैं? प्यारे प्यारे। आपके अच्छे। का क्या नाम है? सुंदर साहब का। अरसलान अली। अरसलान अली। आपका? अक्सा। आपका? शुमाइला। देखें, शुमाइला, अक्सा, सुंदर और अरसलान, कितने प्यारे मेरे बच्चे। देखें मैं बीच में बैठी, कितनी प्यारी लग रही। आज रिक्वायरमेंट थी कि आपने येलो सूट पहनना है, तो फिर मेरे पास कोई सूट था नहीं, एक सूट आया था आउट ऑफ कंट्री से, तो ये बड़ी देर से संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा ये किसी को देंगे, मैंने कहा चले आज पहले दिन पहन के तो इसमें वीडियो बना लेते हैं। देखिए अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों ने सूट में बताना कि हम आपको कैसे लगे हैं। तो बेटा दूध पी रहा है, मजा आ रहा है? मेरा ये मेरा छोटा बच्चा है। ओए ओए, कपड़े अलमारी में लटका दिए। हाँ, ये छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा मनूर मनूर छोटा बच्चा। अच्छा हंसता 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 किच छ छ छ छ। मैंने आपको जैसा कि बताया था न्यूली कपल मेरे पास आ रहा है, तो हम उनको वेलकम करते हैं। वो आज के समय में मिलवाती हूँ, आपने जैसे कुछ करना हो तो आपने कुछ जैसे करना। ये कौन है? ये है माही और ये है मुबीन भाई। बड़ा वायरल है यूट्यूब पे और टिकटॉक के ऊपर, बड़े लोग इनके ब्लॉग्स भी देख रहे हैं। इनका ब्लॉग का बड़ा अच्छा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और ये माही और मुबीन है, तो आज इनका पहला जो है ना वो पॉडकास्ट है मेरे साथ, तो मेरे पॉडकास्ट के अंदर इनका शो करते हैं। तो मैंने कहा था आपको एक न्यूली कपल को दिखाऊंगी, तो वो ये हैं माशाल्लाह। आपको मिलकर तो बड़ा मज़ा आया था, इनका शो आपने ज़रूर देखना जो मेरे साथ आज होगा इंशाल्लाह, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। हाँ जी मैम, बस ये सुंदर है, ये अरसलान है और ये जी भी बस। ये अब जा रहे हैं कपल जो हैं अपने घर, तो इनको मैं अभी सी ऑफ करने जा रही हूँ। इनको आज बड़ा मज़ा आया, इनसे पूछते हैं आज का इनका हमारे साथ 2 से 3 घंटे गुजरे हैं कैसे गुजरे। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे तो जब मैंने सुना था कि उस बात की बुला रही हूँ, मैंने कहा बस नाम नहीं करना, मुझे जाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट इनका इंटरव्यू जो है ना वो बड़ा दबंग एक जगह पे होने वाला, वो एक सरप्राइज है, वो आपको ये खुद बताएंगे, तो वो भी आपने जरूर देखना। आज का पॉडकास्ट भी जरूर देखना हमारे साथ। तो हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। पूरी मार्केट बंद है इस टाइम, देखें। मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे, तन तनहा खुले आसमान की अकलौती बाइक और सारी मार्केट देखो दूर दूर तक बंद है। आपकी बाइक मिल गई है, ठीक है। हाँ, अकलौती बाइक बेचारी सड़क के ऊपर खड़ी, क्या कहेंगे। मिठाई तो बनती है, वरना वन टू फाइव पता है कितने की आजकल। नहीं बिल्कुल, मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे वहाँ पे खड़ी हो। नहीं नहीं खड़ी है, तो अभी अब बैठते हैं इसके ऊपर और चलते हैं। चले आप ही जाएंगे? हाँ मैं और नवीन भाई, ठीक है। हमारी बाइक बनती है, शुक्र आप, ये बड़ा अच्छा हो गया। चले मुझे आप उतारे और आप, ठीक है जी व्यूवर्स। कभी कभी ज़िंदगी की उलझनों को छोड़कर थोड़ा सा ज़िंदगी को सुकून भी देना चाहिए, अपने आप को टाइम भी देना चाहिए, और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली गई हैं उनको वापस लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो मेरी तो ये दुआ भी अल्लाह से कि अल्लाह ताला
सबके लिए अच्छा करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह पाक करम और रहम करे और ज़िंदगी में सबकी सुकून हो, परेशानियों से अल्लाह पाक बचाए, मुसीबतों से अल्लाह पाक बचाए और अल्लाह पाक अपना रहम और करम करे। तो कभी कभी जो दिल में रंजिशें, खलिशें और नाराज़गियाँ होती हैं उनको दूर करके भी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के लिए, और लम्हों को जो है वो बड़ा हसीन बना लेना चाहिए अपने दिल के अंदर ही। खुद अपने आप से बातें करनी चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी के 18 से 20 साल मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गए, मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को वक्त ज़रूर दें, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें, अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालें। चाहे जितने भी आप लाइफ में बिज़ी हैं, सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को वक्त दें, अपने बच्चों को जो है ना वो टाइम दें और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं बाहर चले जाएं, अपने लिए एक चाय का प्यारा सा कप बना लें और बैठ के किसी कोने में पी लें, तो इससे भी बड़ा सुकून मिलता है। ज़रूर बताइएगा आपको माही और महीन मुबीन कैसे लगे, महीन और मुबीन कैसे लगे, और छोटी सी हमारी कोशिश जो है ये कैसी लगी। तो मेरा बच्चा मीबू मेरे पास आ चुका, क्या हुआ, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। हमने आज छाई हैं बाहर, चार पाई हैं और लगाने लगे हैं वहाँ पे पंखा ताकि गर्मी से बचा जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा बच्चे अभी बाहर ही हम सोते हैं, मैंने भी बाहर चार पाई हैं लगा दी हैं, वहीं पे हम सोने लगे हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। जो बच्चे शेल्टर होम में आए, इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग बहुत जल्द होगी तो उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, आप लोगों से भी, और आप लोगों के लिए ये भी है कि वो आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे जब आप उनके लिए दुआएं करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़रूर छोटी सी कोशिश करनी चाहिए जिससे किसी की ज़िंदगी बदल सके और किसी की ज़िंदगी में खुशियां लाई जा सकें। कभी कभी ज़िंदगी की उलझनों को छोड़ के ज़िंदगी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।